हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आम जीवन में धारणा बन चुकी है कि अदालत की हर ईंट पैसा मांगती है। दोस्तों, अदालत में खड़ा हर शख्स पैसे की डिमांड करता है। समय समय पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़े रुख लिए हैं। एक ऐसे ही मामले में एक शख्स मुरारी लाल, जो अपनी पत्नी की FIR 498 दहेज प्रताड़ना की FIR के खिलाफ 30,000 के कोर्ट में पूरी केस की ट्रायल की लड़ाई लड़ता रहा और उसे सजा सुना दी गई। दोस्तों, उसकी सजा के बाद उस शख्स को ₹5,000 फाइन के तौर पे जमा करने के आदेश हुए और इम्प्रिजनमेंट यानी जेल के भी प्रावधान किए गए। उसने उसके खिलाफ ₹5,000 जमा कर दिए और जो इम्प्रिजनमेंट है उसके खिलाफ और पूरी सजा के खिलाफ वो सेशन कोर्ट गया। सेशन कोर्ट ने उसे 2004 में अपने आरोप से मुक्त कर दिया और इस केस में वो बाइज्जत बरी हो गया। दोस्तों, ये 1988 से केस लड़ता रहा ये शख्स, और जब ये फ्री हो गया इस मामले में तो इसने निचली MM की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि उसके ₹5,000 वापस कर दिए जाए, क्योंकि वो इस केस से बाइज्जत बरी हो चुका है। कोर्ट ने उस पैसे को वापसी की ऑर्डर पास कर दिए। दोस्तों, उसके बाद उसे एक वाउचर स्लिप देने की बात कही गई जो कोर्ट स्टाफ को देनी थी, और उसको उस स्लिप के बेसिस पे उसे काउंटर से ₹5,000 वापस मिल जाते। उस स्टाफ ने अलमद ने वहां उसे स्लिप नहीं दी और उसके बाद उसे 3-4 चक्कर लगवाता रहा। उसने ₹100 का डिमांड किया और इस तरीके से ये शख्स मुरारी लाल करप्शन ब्रांच, एंटी करप्शन ब्रांच के पास पहुंचा। दोस्तों, वहां उसने लिखित शिकायत की कि मुझसे कोर्ट स्टाफ द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं अलमद द्वारा, और इसके बाद ये एंटी करप्शन ब्रांच वाले एक्टिव हो गए। उन्होंने नेक्स्ट डे एक रेडिंग टीम बनाई और एक पंच विटनेस को उसमें शामिल करा, और पूरी टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ ₹50 के नोट तैयार किए गए, उनकी नंबरिंग की गई, और इस तरीके से उनमें जो टच करने के बाद, और अगर आप अपने हैंड को उस लिक्विड में डालोगे तो वो रेड टर्न कर जाएगा, इस तरीके से सारी तैयारी की गई। पूरी टीम पहुंची 30,000। वहां डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन ली गई, उनको बताया गया कि करप्शन के एक कंप्लेंट पे हमारी रेडिंग टीम आई हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने, जज साहब ने इसको अलाउ करा कि ओके यू गो फर्दर, और पूरी टीम फिर आगे बढ़ी, और उसके बाद एक पंच विटनेस उस शख्स के साथ जो कंप्लेनेंट था उसके साथ वो अलमत के रूम में गया। उसे सिर्फ वॉच करना था कि क्या वो पैसे डिमांड करते हैं या नहीं, और जैसे ही उस अलमत ने कहा कि पैसे लेकर आ गए, उसके साथ एक और भी टाउट यानी दलाल भी बैठा हुआ था। वो दोनों ही इसे बार बार दौड़ा रहे थे। इस तरीके से उसने कहा कि हाँ पैसे तैयार हैं, ये ले लो। उसने पैसे दिए तो पंच विटनेस ने रेडिंग टीम को इशारे से बुलाया और वो सारी टीम वहां पहुंच गई। उसने पैसे के साथ इन दो शख्स को गिरफ्तार किया। दोस्तों, उनके फिंगर को जब उस सॉल्यूशन में रखा गया तो वो टर्न रेड भी हो गए। इस तरीके से सारी कार्रवाई हुई, सारी पैसे को सील किया गया, उन दोनों को अरेस्ट किया गया, और वो दोनों शख्स, दोस्तों, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चले स्पेशल कोर्ट में, और स्पेशल कोर्ट ने उनको सजा सुना दी। दोनों गए अपील में दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस SN ढींगरा, शिव नारायण ढींगरा, बहुत ही प्रोग्रेसिव जज रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि देश में दिन रात करप्शन के मामले बढ़ रहे हैं, और मंदिर जिसे कहते हैं न्याय का मंदिर अदालत, वहां किसी शख्स द्वारा ऐसे काम करना, और वो भी एक टाउट की मदद से, एक दलाल की मदद से, ये एक बहुत ही निम्न स्तर का काम है। इससे जुडिशियरी का अपमान होता है, लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा खत्म होता है। इस तरीके से उन्होंने एक काफी ब्रॉड विस्तृत निर्णय इस पे पास किया। दोस्तों, उन्होंने
इस मामले में कोई भी रिलीफ उन दोनों वर्क पर्संस को नहीं दिए दोस्तों। ये भी दलील दी गई उनके साइड से कि सर इसमें पैसा बहुत छोटा इन्वॉल्व है, 50-50 रुपीज़ यानी 100 रुपीज़ का करप्शन है। और ये भी बोला गया कि एक शख्स वो उस सरकारी आदमी नहीं है, वो एक टाउट है, तो वो सरकारी सिस्टम में नहीं है, उसके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है वो लागू नहीं होता। दोस्तों इसी कोर्ट में ये डिसाइड किया गया कि किसी और पर्सन के ऊपर भी वो एक्ट लागू होगा अगर उसे 120B यानी कॉन्स्पिरेसी के तहत वो भी उस मामले में शामिल है, तो उसके ऊपर भी एंटी करप्शन के जो चार्जेस हैं वो लगेंगे और वो एप्लीकेबल हैं। इस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है दोस्तों। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ ना देते हुए उनकी फटकार लगाई गई और उनकी अपील डिसमिस कर दी गई दोस्तों। और इस तरीके से एक शख्स जो लगातार लड़ता रहा न्याय के लिए और अपने केस में भी लड़ता रहा और स्टाफ के खिलाफ भी जाता रहा, जब उसने पैसे की मांग की तो कोर्ट ने कहा है कि इस सेम जजमेंट में कनवलजीत सिंह वर्सेज स्टेट, ये 2007 का जजमेंट है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज भी रिलेवेंट जजमेंट है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई में ये जजमेंट आज भी हमारे लिए बहुत ही सहयोगी है। मैं आपको बताऊं, इस केस में जो जज हैं SN ढींगरा, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि बहुत कम लोग करप्शन के खिलाफ उठते हैं, खड़े होते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट करने की हिम्मत दिखाता है, कोई विरला ही होता है जो सामने आता है, और अगर वो सामने आता है तो बाद में वो खुद ही करप्ट हो जाता है और उसे पैसे देकर मैनेज कर लिया जाता है। और अगर कोई शख्स उसके बाद भी केस फाइट करता है और उनसे मैनेज नहीं होता तो उस शख्स की इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि उसने सिस्टम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है और आखिरी तक उसने लड़ाई लड़ी है। दोस्तों ये कुछ शब्द थे इस जजमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है।